आपने भारत में कई स्टैचू देखे होंगे, लेकिन कभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये विशाल प्रतिमा न केवल तेज रफ्तार की हवा या तूफान को झेल सकती है, बल्कि इसमें भूकंप के झटकों को झेलने की क्षमता भी मौजूद है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक है। यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाई गई है, जिन्हें भारत के एक महान नेता के रूप में देखा जाता था। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। आपको बता दें कि इस मूर्ति को दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको अपने भारत के महान नेता वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाई गई स्टैचू ऑफ यूनिटी का इतिहास बताऊंगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की विश्व की एक बहुत बड़ी प्रतिमा के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया था। आपको बता दें कि इस दिन को पटेल जयंती के रूप में मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के साधु आइलैंड में मौजूद है, जिसे मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। ये प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसे आप 7 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। अगर आप वहां जाने के बारे में सोच रहे हैं तो क्यों न पहले इस स्टैचू के बारे में कुछ बातें जान लें। शायद जानने के बाद आपके भी मन में इसे देखने की इच्छा जगाएगी। आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए बड़ी संख्या में इंजीनियर और मजदूर लगे थे। इस प्रतिमा को पूरा करने के लिए 300 इंजीनियरों ने और 3000 श्रमिकों ने लगभग 3.5 साल तक काम किया था। लार्सन एंड टर्बो का इस मूर्ति को बनाने में सबसे बड़ा योगदान है। इस खूबसूरत मूर्ति को बनाने के लिए 70,000 टन सीमेंट, 25,000 टन स्टील और 12,000 कॉपर पैनल का इस्तेमाल किया गया है और करीबन 1700 टन वजन का उपयोग किया गया था। मूर्ति का बेस यानी आधार बनाने के लिए 129 टन से अधिक स्क्रैप लोहे का उपयोग किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी को कुछ इस तरह से डिजाइन दिया गया है कि भूकंप के झटके या 60 किलोमीटर प्रति सेकंड जितनी हवा की रफ्तार भी इस प्रतिमा को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रिक्टर पैमाने पर भी आए भूकंप के झटकों में भी ये मूर्ति नहीं हिलेगी। ये प्रतिमा 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी झेल सकती है। जैसे जैसे मूर्ति की उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे इसके रंग में भी बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें, कांस्य धातु का समय बढ़ने की प्रक्रिया के कारण स्टैचू ऑफ यूनिटी कांस्य रंग से हरे रंग में बदल जाएगी। इस रासायनिक प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी 30 साल के बाद अपनी ओरिजिनल रंग यानी भूरे रंग से हरे रंग में बदल गई है। स्टैचू के अंदर 4 हाई स्पीड लिफ्ट है। यह लिफ्ट मूर्ति के पैर पर है। इसके अलावा एक लिफ्ट केवल 30 सेकंड में लगभग 26 लोगों को ही टॉप पर ले जा सकती है। यही नहीं, शाम 7 बजे स्टैचू ऑफ यूनिटी में नाइट शो शुरू होता है, जो वाकई देखने लायक होता है।